i am from physics faculty of qls academy today we are going to learn about amplitude time period and frequency of vibration audible and inaudible sounds and noise pollution hope you enjoy learning so let's start with our lesson today amplitude time period and frequency of a vibration we have learned that to and fro motion of an object is known as vibration पिछले ही क्लासेस में पढ़ा था हमने कि टू एंड फ्रो जो मोशन होता है उसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं और वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है ये भी हमने कभी ना कभी पढ़ा था खैर उसके पे हम अभी नहीं आएंगे दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन बचपन से क्लास सिक्स से पढ़ते आ रहे हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ध्यान में रखो वो टाइम से ही द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन Frequency is expressed in hertz. Its symbol is Hz. dekho ye symbol aapko dikh raha hai Hz. A frequency of 1 hertz is one oscillation per second. acha अच्छा, you can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them. जैसे अगर आपको पीछे से कोई बुला रहा है तो आप समझ जाओगे. पीछे से अगर सीटी बज रही है तो आप समझ जाओगे कि कहाँ पीछे से बज रही है, आगे से नहीं बज रही है. How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Obviously. have you ever thought what factors make them different there are two important properties of sound that is amplitude and frequency so can we differentiate sounds on the basis of their amplitude and frequency loudness and pitch हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं ठीक है एक्टिविटी पुराने क्लासेस में हमने 10 एक्टिविटीज कर ली थी नाउ इज एक्टिविटी नंबर 11 टेक अ मेटालिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून ठीक है यू कैन सी दी दिस इन डाइग्राम कि एक मेटेलिक टम्बलर है और एक हमने टेबल स्पून ली स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली ऑन द प्रम ऑफ द टम्बलर एकदम जेंटली स्ट्राइक करो साउंड प्रोड्यूज होगा ऑब्वियसली नाउ बैंग करो स्पून को जोर से स्ट्राइक करो अब जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा है है ना नाउ डू वन थिंग सस्पेंड अ स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर देखो एक थ्रेड uh, से स्मॉल थर्माकोल बॉल को हम इसमें सस्पेंड कर देंगे ताकि वो जो तो रिम ऑफ द टम्बलर है ना उसमें थोड़ा सा टच करे वो ठीक है आपको डायग्राम में दिख रहा होगा स्ट्राइक करो क्या होगा टम्बलर वाइब्रेट करेगा मैं स्पून से स्ट्राइक करना है ना थर्माकॉल बॉल से नहीं स्ट्राइक करोगे तो टम्बलर वाइब्रेट होगा और अब देखो कि थर्माकॉल जो है वो कहाँ तक जा रही है हाउ फार इज़ द बॉल डिस्प्लेस्ड उस वाइब्रेशन के वजह से जो हमारी थर्माकोल बॉल है वो कितने दूर तक जा रही है बहुत कम दूर तक जाएगी बट आपको वो देखना है The displacement of the ball is a measure of the amplitude of vibration of the tumbler. up second बार इस बार हम tumbler को बहुत halke से strike करेंगे and then with some force, ठीक है हमने हल्के से strike किया तो थोड़ा सा वो दूर तक जाएगा और हमने जब जोर से strike करेंगे तो वो थोड़ा और दूर तक जाएगा Obviously, दोनों बार में हम टम्बलर का वाइब्रेशन का एम्प्लीट्यूड कंपेयर करेंगे जब हल्के से स्ट्राइक किया तब बार और जब जोर से स्ट्राइक किया तब का सो इन विच केस द एम्प्लीट्यूड इज लार्जर ऑब्वियसली जब जो जोर से स्ट्राइक करेंगे तब एम्पलीट्यूड उसका बड़ा होगा ठीक है ये तो हो गई हमारी एक्टिविटी अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड फिर से बोलती हूँ मैं एकदम अच्छे से सुनो लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड इफ एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज ट्वाइस उसकी लाउडनेस चार टाइम्स बढ़ जाएगी ठीक है एंड द लाउडनेस इज़ एक्सप्रेस इन अूनिट कॉल्ड डेबल दैट इज डीबी ये आपको दिख रहा है ओके नाउ हैव यू एवर ऑब्जर्व द डिफरेंस इन साउंड ऑफ अ बेबी एंड एन एडल्ट है ना बेबी का एकदम अच्छी सी क्यूट सी वॉइस आती है और अडल्ट की थोड़ी मोटी सी वॉइस आ जाती है ये होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी के वजह से बेबी की फ्रीक्वेंसी और एडल्ट की फ्रीक्वेंसी इन दोनों की डिफरेंस ये इसको एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बोलते हैं इसलिए हमें दोनों की वॉइस अलग अलग आती है द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड इफ द फ्रीक्वेंसी इज हायर वी से दैट द पिच और श्रिलनेस इज हायर और वैसे ही बाइस वर्षा वेन वी टेक द एग्जाम्पल्स अ ड्रम हैज अ लोअर फ्रिक्वेंसी एंड अ विसिल हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी ड्रम की वॉइस आप याद करो डम डम होता है और विसिल की एकदम जोर से कानों में चुभने वाली होती है तो इसीलिए विसिल का पिच हम क्या बोलेंगे विसिल का पिच हाई है और बोर्ड मेक्स हाई पिच साउंड वेराज और लॉयन हैज लो पिच रॉर अब आप बोलोगे नहीं यार लॉयन की रॉर और बर्ड का जो साउंड होता है उसमें पिच अगर हम कंपेयर करेंगे तो बर्ड की पिच ज़्यादा होती है और जो लॉयन की बड़ी सी रॉर होती है उसकी पिच कम होती है बट अगर लाउडनेस अगर कंसिडर करेंगे हम तो वो लॉयन की ज़्यादा होगी लायन की ज़्यादा होगी और बर्ड की कम होगी ये सब हुआ हमारा लाउडनेस और पिच के बारे में अब हम अब वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑडिबल एंड इनऑडिबल अच्छा हमें ये तो पता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती हैं बट कौन सा ऑडिबल है एंड कौन सा इनऑडिबल है ये कैसे पता चलेगा साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस दैन ट्वेंटी वाइब्रेशन पर सेकेंड कैन नॉट बी हर्ड एंड मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड वाइब्रेशन ऑल्सो के नॉट बी हर्ड लेकिन उन दोनों की जो बीच की जो रेंज है वो होती है हमारी ऑडिबल रेंज बट डॉग्स के पास एक बहुत ही अच्छी पावर होती है कि वो हायर फ्रीक्वेंसी के साउंड्स भी सुन लेते हैं और भी जो है ना बैट्स के पास डॉग्स के पास कुछ कुछ एनिमल्स के पास ऐसी पावर होती है कि वो हमारी रेंज से ज़्यादा बड़ी रेंज के साउंड्स सुन लेते हैं अब अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं दैट इज़ नॉइज़ एंड म्यूज़िक अब आप हर टाइम हर टाइप का साउंड हर टाइम हर टाइप का साउंड सुनते रहते हैं सो इफ़ आई आस्क यू कि आपको कंस्ट्रक्शन वाला साउंड अच्छा लगता है तो आप क्या बोलोगे नहीं दैट इज ऑब्वियसली नॉइज बट आज जब ईयरफोन्स लगाकर कार में सुनते तो कैसे लगता है यू वुड से कि दैट इज अ प्लीजिंग प्लीजिंग साउंड और यूड से दैट इज मेलोडियस हम हर साउंड को म्यूजिक नहीं बोल सकते ठीक है म्यूजिक इज डिफरेंट म्यूजिक इज प्लीजिंग साउंड इज नॉट प्लीजिंग नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉइज पोल्यूशन यू नो वॉट यू नो वट इज एयर पोल्यूशन प्रेजेंस ऑफ अनवॉन्टेड गैसेज एंड पार्टिकल इज एयर पोल्यूशन सेम एज दिस प्रजेंस ऑफ अनवॉन्टेड साउंडरमेंट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन एग्जाम्पल्स क्या हुए हैं कार बस ट्रेन कंस्ट्रक्शन मशीन एटसेकट्रा एट्सेट्रा ये सब नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं ठीक है इनके साउंड अच्छे नहीं लगते हमें एंड डू यू नो कि नॉइज़ पोल्यूशन से मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है लाइक आप पहले भी हो सकते हैं और बहुत सारे लैक ऑफ स्लीप इन्जाइटी इशूज़ हाइपर टेंशन ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स एटसेकट्रा एट्सेट्रा ये सब नॉइज़ पोल्यूशन से आती है एंड एयर डैमेज भी हो जाते हैं तो दैट वॉज ऑल अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन अब हम बस इसका एक छोटा सा और टॉपिक हम सब टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन टू कंट्रोल एनी थिंग वी मस्ट स्टॉप इट्स रूट कॉज सेम ईयर टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन हमें नॉइज़ के सोर्सेज खत्म करने होंगे फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजनस ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लाइंसेज और शहर साइड में जो नॉइजी कंस्ट्रक्शन की वजह से साउंड आ रहा है उसे अगर बनाए बहुत दूर तो भी नॉइस हमारा पोल्यूशन स्टॉप हो सकता है तो दीज वर सब मेजर्स है तो टू कंक्लूड दिस लेसन वी लर्न अबाउट एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड एंड नॉइस पोल्यूशन दैट्स ऑल फॉर टूडे होप यू ऑल इन्जॉय लर्निंग फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन और यू हैव एनी क्वेरीज काइंडली गो टू द फॉलोइंग लिंक थैंक यू